पाकिस्तान से कहीं और चला गया, लेकिन इन सारी तारीख में अफगान रेफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान और ईरान का जो रोल है वो एग्जेम्पलरी है। सेक्रेटरी जनरल यूएन आया और उसने फिर कश्मीर पर अपना मौकिफ दिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब हु केयर्स, एक गद्दार 27 दिन उनको लगे। जब मुझे इस्लामाबाद की रोडों पे लोग गले से खींच रहे थे, गालियां दे रहे थे कि तुम क्यों उस तरफ नहीं जाते, मेरे आधे जुमले को तोड़ के मेरे घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरा बड़ा भाई बाप जैसा 58 दिन मिसिंग पर्सन्स में, मेरी माओ बहनों की तजलील की गई, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था मैं उनके लिए, 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, वो कबाइल जो 3% ऑफ डिविजिबल पूल आपने कमिटमेंट की थी मर्जर के बाद, जिसकी आईडीपी, जिसकी माओ बहनों का भूल गए हैं, आज भी वो आपके लिए पाकिस्तान का कलम उठाए हुए खड़े हैं, लेकिन लानत है उस सोच पे जो आज उनकी तजलील का सबब बन रहे हैं। मेरे डिप्टी स्पीकर साहब, आप सैयद हैं, आप सिंध की गैरतमंद धरती से आपका ताल्लुक है, आपकी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, अपनी आप बीती जो उन्होंने बयान की, क्या ये सब जानते हैं, चाहते हैं कि इनकी माए बहने इस प्रोसेस से गुजरे? सिविल सुप्रीमेसी का नारा किसने लगाया? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने साइन किया? व्हाट वाज द सोल थर्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट? आज आप लोग किधर हैं? आज हमारी माओ बहनों, रेहाना डार मेरी मां है, अली मोहम्मद खान की मां मेरी मां है, उनको अदालतों में, थानों में जिस तरह लाया गया, बुशरा बीबी आपके लिए कुछ भी हो, मेरी लिए मां है, मां इस कौम, आप भी बहन हैं, लेकिन बहन बनकर दिखाएं। इस कौम को आपने क्या मैसेज दिया कि निकाह के मामले में आप में इतनी सोच तो होनी चाहिए थी, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं आप लोग? पैसे तो बाद में भी कमा लेंगे। और यहां पे एक साहब है जिनको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूं, जिनके बुजुर्गों उनको पता ही नहीं है, शायद वो सख्त सऊदी में थे, मेरे उनके घर का आना जाना बचपन से था, सियालकोट से उनका ताल्लुक था, मुस्लिम लीग के पुराने स्टॉलवर्ट्स में थे, और आज उनकी औलाद और उनके साहबजादे के फौज के हवाले से, कौम के हवाले से, मेरे लीडर के हवाले से, ऐवान के हवाले से शर्म और गैरत दिलाने की बातें करते थे। मैं उम्र में बड़े हैं, मुझसे मुझे अपनी तरबियत इजाजत नहीं देती। आज आप लोग कहां पे खड़े हैं? आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि फिर इतने अरसे बाद एक दफा फिर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के बारे में जब ये आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो आप इस वक्त तक इस इंतजार में कि खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसा मौका आए और फिर हाथ रगड़ते रहे? ये मुनाफकत है कि मेरे साथ बैठ के कहें कि आप सही डटे हुए हैं, पीछे हो तो आप एक और सोच अपनाएं? ये मुनाफकत है, ये लानत और पिटकार है, ये उस रब की। और कल यहां एक साहब आए इस कुर्सी पे बैठने के लिए, किसी ने ताली नहीं बजाई, अकेले आया, सर झुका के अकेले चला गया। ये दुनिया आरजी है, गैरतमंद कौमें अपनी कौम की माओ बहनों बेटियों, माओ बेवाओं, यतीमों, नादारों का माल लूटने वालों को इन कुर्सियों पे नहीं बैठाती, उनको ऐसी इबरत बनाती है कि आने वाली नस्लें पर जुरत ना कर सके। ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? ये बजट, इस पे फिगर्स, मेरी बहन ने कहा कि इतने करब, इतना फलाना ढिमकाना, ये सब दे आर क्लूलेस। यूजर फ्रेंडली बजट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने इस मुल्क के लोगों को एक चीज बावर कराई इस बजट से कि यू स्टैंड नो वेयर, कीड़े मकोड़े भी तुमसे बेहतर हैं, जियो जिस तरह जीना है, क्योंकि तुम हमारी प्रायोरिटी नहीं हो। हां, प्रायोरिटी क्या है? अभी मेरे जबान से एक लफ्ज निकल जाए इनकी लीडरशिप के लिए, ऐसे ऐसे उछलेंगे,
लेकिन जब पाकिस्तान की धरती मां की इज्जत, पाकिस्तान की यतीम, पाकिस्तान की बेवाएं, पाकिस्तान के वो लोग जिनका वाली वारिस नहीं, उनकी बरकत से जो ये लोग किसी तरीके से ऐवान में पहुंचते हैं, उनके लिए आवाज नहीं इनकी निकलती। डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा का वास्ता है, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। मेरी बेटियां मुझे कहती हैं, बाबा चलो, हर रात मेरे लिए क्यामत की रात होती है। मैंने ऐद किया हुआ अपने लीडर और अपनी धरती मां के साथ, हर बार इस्तेमाल किया ना, हर डिग्री टॉर्चर मुझे दिया। हजरत बिलाल हबशी की जबान से एक चीज निकलती थी, अहद अहद अहद, मेरी टुकड़े टुकड़े कर दे कि आवाज निकलेगी, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। मैं बुतपरस्त नहीं हूं। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारे रिवायात एक हैं, अकदार एक है, हमारी इज्जत एक है, हमारी आने वालों नस्लों की इज्जत आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। इधर से जो चीज बाहर निकलती है उसका इंपैक्ट होता है। दुश्मन हमें तजलील की इंतहाई गहराई तक पहुंचा चुका है। और डिप्टी स्पीकर साहब, एक और चीज पनपती हुई कि लायबिलिटी है पश्तून, कि पश्तून इस कौम पे एक समझे बोझ है। बलोच को बुनियादी हकूक पामाल करके बफर जोन की बातें हो रही हैं बलूचिस्तान के हवाले से। डिप्टी स्पीकर साहब, आई नीड योर आई टू आई कॉन्टेक्ट प्लीज। सिंध के बारे में, कराची और इंटीरियर सिंध के बारे में अलग परसेप्शन है, पंजाब के बारे में ग्रेटर पंजाब है, पूरी पाकिस्तान की तमाम इकाइयां डिप्टी स्पीकर साहब वो तस्बीह के दानों की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़ी हुई हैं। जिससे जो कोशिश करनी है करे। मैं ये बावर कराना चाहूं, जो बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहा है वो मेरा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मेरी है, सिविल आर्म फोर्सेस भी मेरी है, इस पाकिस्तान की अकलियत तमाम सोच और फिक्र मेरी है, ये धरती मां मेरी है जिसने अंकल टॉम के कहने पे आज उस बजट जिसकी बुनियाद पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तकसीम या पाकिस्तानी कौम की तजलील का सोचा हुआ है, मेरे रब्बे जुल जलाल की कसम, जितनी हिम्मत है कोशिश करो, इंशाल्लाह ये कौम आपको वो करनी नहीं देगी जिस तरह 8 फरवरी को ये कौम आपके खिलाफ खड़ी हुई है। 8 फरवरी को ये कौम खड़ी हुई और नई तारीख रकम की। पीपल्स पार्टी पार्लियामानी निजाम हुकूमत को बेहतर समझती है, मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग से नाम जुड़ा हुआ है, तहरीक इंसाफ इंसाफ की बात करती है, रूल ऑफ लॉ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। डिप्टी स्पीकर साहब, आम आदमी की इज्जत नफ्स का जनाजा ना निकालें, कोरम पूरा भी नहीं था, 2 दिन इनका मिनिस्टर कंसर्न आ नहीं रहे, कितनी उम्र जी लेंगे, ये ना हो कि रोजे मैशर के दिन इमाम अंबिया की शफात से महरूम हो। सिर्फ 2 बातें आखिर में, मेरी रिक्वेस्ट है, जो हराम खाएगा, जो हराम और हलाल की तमीज नहीं करेगा, उसका ठिकाना कहाँ होगा, मैं नहीं कहता। और आखिरी बात, इमरान खान हकीकत है, इमरान खान एक सोच है, हमारा काम है इस एवार्ड में आके हक और सच बोलना। मैं सिर्फ आखिर में यह कहना चाहूंगा कि वो शख्स जो अंदर 71 साल की उम्र में सिर्फ मेरी तरफ नहीं आपकी तरफ भी देख रहा है, वो अपने लानत भेजते हैं एनआरओ शनआरओ पे, लेकिन एक मैसेज है, खुदा के लिए कौमों की माओ बहनों बेटियों की इज्जत को पामाल ना करें, खुदा के लिए चादर और चार दीवारी को पामाल ना करें, खुदा के लिए इस पार्लियामान के तकद्दस का एहसास करें, हक और सच कलम उठाएं, वरना भीख मांगते रहोगे, ना भीख मिलेगी ना इज्जत मिलेगी। आओ एक पाकिस्तान को एक गैरतमंद कौम बनाएं।
और मैं अपनी बहन की बात की तस्दीक करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, जाओ इमरान खान से माफी मांगो, फिर ये गैरतमंद पाकिस्तान कौन बनेगा इंशाल्लाह। आपके लीडर आपके माइक खोले अब से भी माफी मांगे, इमरान खान से भी माफी मांगे, हम इंशाल्लाह इस कौम को अजीम कौम बनाएंगे। आखिर में डिप्टी स्पीकर साहब, आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस। पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद और जिंदाबाद। शुक्रिया।